हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कपल ट्रैवल मूनसाई में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कटरा से 80 किलोमीटर की दूरी में स्थित शिव खोड़ी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े एक और धार्मिक तीर्थ स्थल की ओर, जिसका नाम है बाबा धनसार। कटरा से बस या कैब के सहारे मात्र 17 किलोमीटर की दूरी तय करके आप पहुँच सकते हैं बाबा धनसार के दर्शन के लिए। भारतवर्ष के जम्मू और कश्मीर राज्य के रियासी जिले में ये हिंदू पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल स्थित है। करुआ गांव के रियासी जिले के 17 किलोमीटर की दूरी में करुआ झील के किनारे बाबा धनसार का ये पवित्र स्थल पाया जाता है। ये एक हिंदू पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है जो कि भगवान भोलेनाथ और बाबा धनसार को समर्पित है। यहाँ बाबा धनसार भगवान भोलेनाथ के प्रिय नागराज शेषनाग के मानवीय रूप वासुदेव के पुत्र के मानवतार से पूजे जाते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 200 मीटर नीचे अनेक सीढ़ियों के सहारे जाना पड़ता है, तब जाकर के आप दर्शन कर पाएंगे बाबा धनसार और भोलेनाथ जी। इस मंदिर में आपको पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ घोड़ा या पालकी कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। मंदिर के लिए प्रसाद आप यहाँ सीढ़ियों के पास से ही खरीद सकते हैं। मंदिर में जब भी आप प्रवेश करें तो बहुत ही सावधानी से प्रवेश करें क्योंकि यहाँ बहुत सारे बंदर हैं जो कि हाथों से भोग प्रसाद देखते ही छीन करके ले जाते हैं। यहाँ बंदरों का कुछ ज्यादा ही बोलबाला है। बाबा धनसार एक पवित्र धार्मिक स्थल होने के साथ साथ ये स्थल अपने प्राकृतिक सौंदर्य से भी समृद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती लोगों को काफी प्रभावित करती है। यहाँ बहुत खूबसूरत करुआ झरना है जो कि पहाड़ों के चट्टानों से निकल करके सीधे चले जाती है घने जंगलों में। इस झरने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है सच्चे मन से जो यहाँ प्रार्थना मांगी जाती है वो अवश्य पूरी होती है। यहाँ स्नान करने की अनुमति नहीं है, लेकिन नीचे की ओर जाकर के आप स्नान कर सकते हैं। कहा जाता है अगर इस झरने में स्नान करके स्वच्छ रूप से स्वच्छ पोशाक पहन करके भगवान के समीप जो भी मन्नत मांगी जाए वो अवश्य पूरी होती है। बाबा धनसार के मंदिर के पास ही शिव जी का गुफा भी है। इस स्थल पर हर शिवरात्रि में बहुत ही बड़ा मेला या उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव में भक्तों की काफी भीड़। आइए चलिए जानते हैं बाबा धनसार कौन है। मान्यता है जब भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी माता पार्वती को अपने अमरत्व की कहानी सुनाने के लिए अमरनाथ की गुफा की ओर लेकर के गए, तब अनंतनाग में अपने सर्पराज शेषनाग को छोड़ कर के गए। शेषनाग मनुष्य रूप में वासुदेव के नाम से प्रकट हुए और उनके जो पुत्र थे वही है भगवान बाबा धनसार। बाबा धनसार एक संत व्यक्ति थे। अब जानते हैं बाबा धनसार के धार्मिक और पौराणिक कथा। स्थानीय मान्यता है कि प्राचीन काल में एक राक्षस था जो कि करुआ झील के पास रहता था। करुआ गांववासी पर यह राक्षस बहुत अत्याचार करता था। गांववासी ने राक्षस से छुटकारा पाने के लिए बाबा धनसार के मदद मांगी। कहा जाता है कि बाबा धनसार गांववासी की मदद करने के लिए भगवान भोलेनाथ से मदद की प्रार्थना की। तब भगवान भोलेनाथ पहुँचे बाबा धनसार के मदद के लिए। महाप्रभु भगवान भोलेनाथ की मदद से
भगवान बाबा धनसार इस राक्षस को खत्म कर दिए और गांववासी बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी गुजारने लगे। तभी से ये स्थल एक धार्मिक स्थल के रूप में पूजे जाने लगे। वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूले। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। Thank you.